अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ अभी आया यहाँ पे हफी सेंटर, और पहले हालुड़ गया था। हालुड़ में जाके मैंने गेमिंग पीसी के बारे में पता किया, तो उधर गेमिंग पीसी नहीं मुझे मिला, ठीक है। तो वहाँ से मुझे किसी ने कहा है कि यहाँ पे ZI कंप्यूटर, मेरे बैक पे ये ZI कंप्यूटर, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके गेमिंग पीसी बनवाएं। तो हम गेमिंग पीसी बनवा रहे हैं, और आपको सारा जितना सॉफ्टवेयर उसका, मतलब जो जो इसमें चीज़ें डल रही हैं वो आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम जो हमें पड़ा है वो तकरीबन 70,000 रुपये पड़ा है, और 200 बना के देना है RGB लाइटिंग के साथ, और उसमें काफ़ी सारी केसिंग है वो भी दिखा दूँगा आपको, जिसमें मुख्तलिफ उसके रेट होते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफ ट्रांसपेरेंट है और एक तरफ तीन जो फैन है, ये आपको तकरीबन मिलेगा 11,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आपके साथ ये जो पीसी है, ये वाला, ये तकरीबन 20 में पड़ जाता है। और जो हमने लिया वो आप देख सकते हैं सामने, ये जहाँ पर मेरी फिंगर है, ये वाला पीसी है, और ये तकरीबन हमें 9,000 रुपये का पड़ा है, 9 से 8,000 रुपये का। दिखाई ज़रा, ये इसके कुछ रेट हैं, पकड़ी, इसके कुछ रेट हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये वाला, मतलब RGB लाइटिंग वाला, हमें तकरीबन पड़ा ये 7,000 रुपये में, और ये जो था HP का Z40, ये तकरीबन 10,000 रुपये में पड़ा था, 18,000 रुपये में, वो मदरबोर्ड वगैरह, ठीक है। इसमें मदरबोर्ड लगता है हमारे पास, प्रोसेसर भी लगता है, ठीक है। तो ये आपके साथ सामने स्लिप्स वगैरह हैं। उसके बाद भाई कह रहे थे कि Core i7 वगैरह तो होता नहीं इसमें, इसने भाई ने भी गेमिंग PC बनवाना था, गेमिंग स्ट्रीट, ठीक है। तो मेरे से एडवाइस ये दी है कि ये करवाए, बिकॉज कल को जब बेचना भी होगा ना तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी बिकेगी। वो दे रहा था ये वाला, अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है या फिर वो वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उसके साथ जो है वो आपको तकरीबन 20,000 के प्राइस में पड़ेगा, ये है ZI यहाँ पर, मतलब हाँ फी सेंटर की ना जो सबसे अच्छी जो शॉप है वो है ये वाली। वो भाई हैं, किसी ने आके मशवरा लेना हो या फिर कोई भी कंप्यूटर PC वगैरह बनवाना हो तो वो भाई से आके बनवाना। उसके अलावा ये है कि मतलब यहाँ पर हर किस्म के PC बन जाते हैं, आपने सस्ता बनवाना है, महंगा बनवाना है, अच्छा बनवाना है, गेमिंग बनवाना है, ये स्पेशली इनकी दुकान है वो गेमिंग के लिए है। जितने भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं वो सब गेमिंग के लिए आते हैं। उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें, और प्रोसेसर हम लगवा रहे हैं इसका 2650 प्रोसेसर है, उसके साथ 1 TB स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव है 1 TB, और साथ 128 GB की SSD है। SSD लाजम होती है गेमिंग के लिए। सो ये मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो चलते रहे, वीडियो के एंड पे आपको मैं बता दूंगा कि यार ये जो दुकान है ये। They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna. अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ ना ये दुकान के भाई इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके पास किस किस प्राइस टैग के हिसाब से किस किस मतलब किस्म के इनके पास कंप्यूटर पाए जाते हैं, और न्यू हैंड है या सेकंड हैंड है भाई। सर आपके पास, मतलब आप बताएं कि आपके पास कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, और आपकी शॉप में ऐसा क्या है जो किसी की शॉप में नहीं है।
मतलब यहाँ पे हफीज सेंटर में लोग आपके ही की दुकान पे क्यों आते हैं? बस आपको जो से न्यू और जो सा पीसी आपको चाहिए दोनों मिल जाएंगे, उसमें आपको 8th 9th में न्यू मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो सा उस 4th generation 6th generation 7th generation इसमें आपको यूज़ पीसी मिल जाएंगे। आपने अगर गेमिंग के लिए यूज़ करना है गेमिंग के लिए भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा अगर आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए और एडिटिंग के लिए चाहिए होंगे तो उसके लिए भी मिल जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोग कोर i7 या दूसरे क्यों नहीं इस्तेमाल करते गेमिंग के लिए, ज़ियोन के और दूसरे क्यों इस्तेमाल करते हैं? ज़ियोन में बेसिकली आपको जैसे कम प्राइस में और अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, जी जी, उसका ये फ़ायदा होता है, और उसके अलावा उसके आपकी गेम जोन सी है वो थोड़ी बेहतर। तो अगर बेस्ट अगर आपने बनवाना हो कि जिसमें आपकी GTA 5 या फिर PUBG वगैरह सिंपल स्मूथ चल जाए, जिसमें आपके कितने 60-90 फ्रेम तक आ जाए, तो वो प्राइस कितने पीसी कितने प्राइस होगा? ऑलमोस्ट कोई 40-50,000 तक की रेंज में। अच्छा, और अगर पीसी हम बनवाएं 80-90,000 रुपये में विदाउट किसी चीज़ के, मतलब उसमें सारी चीज़ें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ काफ़ी हाई चीज़ें लगी हों, तो उसमें आपके कितने फ्रेम आ जाते हैं तकरीबन? उसमें आपके नॉर्मली 120 के करीब आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमने पीसी बनवाया उस पर आपको क्या आपके ख्याल है कितने आ जाएंगे उसमें? उसमें आपके नॉर्मली कुछ 70 के करीब आ जाएंगे। 70 के करीब में, ठीक है ठीक है। उसके अलावा आप ये बताएं कि आपके दुकान में सेकंड हैंड तो चीज़ें मिलती हैं, बट इसमें वारंटी आपको क्या मतलब वारंटी वगैरह देते हैं? आपको चेक वारंटी देते हैं 10 डेज की, और ठीक है उसमें हम पार्ट्स चेंज कर देते हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू। 14 अगस्त तो कल है, और ये भाई ने पीसी बनवाया भाई, गेमिंग स्ट्रीट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आते हैं। ZI कंप्यूटर नाम है, यहाँ पे सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड हर किस्म का कंप्यूटर बन जाता है। मतलब हम पहले हालड गए, उसके बाद हम हफीज सेंटर आए, हमें मशवरा दिया सब ने कि यार ZI कंप्यूटर से जाओ, वो सबसे बेस्ट कंप्यूटर बनाते हैं। इनके पास आए, इनसे गुफ्तगू की, इनसे पूछा कि यार हमारे पास इतने प्राइस टैग है और इतनी इतनी रेंज है, आपको क्या क्या चाहिए? जो हमारा पीसी था उसकी तू बता स्पेसिफिकेशन क्या क्या? मुझे खुद नहीं पता। अच्छा मैं बताता हूँ, उसमें 16 GB रैम है, उसके अलावा 8 GB का कौन सा ग्राफिक कार्ड है? RX 580 ग्राफिक कार्ड है, जिसकी परफॉर्मेंस तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कैसी है। वो क्या है, इसकी जो गेम थ्रू है और गेम प्ले है वो इंशाल्लाह आने वाला लगता है इसके चैनल में निकलेगी, आप जरूर देखना किसका चैनल, ठीक है, गेमिंग। उसके अलावा इसमें 1 TB ऑफ हार्ड ड्राइव है और 128 GB SSD है, 240 को लगा रहे थे SSD, लेकिन उसमें जो प्राइस टैग था वो काफ़ी ऊपर पहुँच रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि यार ज़रा कम कर दो, क्योंकि SSD का काम मतलब मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं होता सारा, तो हार्ड ड्राइव में उठाना होता है। बाकी ये लाइट चलेगी है, AC का मज़ा ले रहे हैं, AC के सामने बैठे हुए, ये देखो तो गर्मी बढ़ गई है, यकीन करो। आज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आपका मेज़बान दाऊद, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। तो भी कहते हैं ये रिजवान साहब जा रहे हैं अपना मीटर से लेके, रिजवान ऐसे ही है, केबल है किधर इसकी? नहीं पावर केबल वगैरह ये नोटी क्या है स्पीकर देखते हैं, ये नोटी कह रहा स्पीकर है। मैंने तो नहीं कहा, क्या प्रूव है मैंने कहा है? कहा इसने? स्पीकर है स्पीकर है ये हमारा सेटअप पड़ा हुआ Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush